अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा वाटर बेस्ड इंक कैसे बनाते हैं, उसका तरीका क्या क्या होता है। सबसे पहले हम ये बैंडर लगाएंगे थोड़ा सा, ये हमारे कलर को मजबूती देगा। जितना हमने कलर बनाना है उसी हिसाब से इसको डाल दें, जितनी आपको मजबूती चाहिए। देख सकते हैं मैंने इतना डाला है। उसके बाद हम ये रंग गाढ़ा करने वाले को डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे हम। कुछ इतना इसका मैश बनाना है हमने। इसका मैश बना के इसमें पानी डालेंगे थोड़ा। अब रेड कलर हम बना रहे हैं, हम उस हिसाब से कलर डालेंगे जितना हमें चाहिए। ये फूल पतला है हमारा कलर इस टाइम। हमने इतना कलर डाला है। ये देख सकते हैं वाटर बेस्ड इंक में ये अक्सर जो लोग हैं ऐसा होता है और परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें हम पानी डालेंगे, इसको दोबारा हिलाएंगे। आप जितना इसमें पानी डालते जाएंगे उतना ही ये यूजफुल होता जाएगा। ये देख सकते हैं हम पहले से कितना फर्क आ गया, इसमें फुल नरम हो गया हमारा। अगर आप चाहते हैं इससे भी पतला हो तो मजीद पानी डालें और इसको अच्छी तरह मैश करें।
ये देख सकते हैं हम, हमारा बहुत स्मूथ हो गया इस टाइम प्रिंटिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं इससे भी पतला हो हमारा कलर, इसमें मजीद पानी डालें। ये देख सकते हैं आप, इस टाइम हमारा ये काम बिल्कुल रेडी है प्रिंटिंग के लिए। उम्मीद है आप सबको पता लग गया होगा कि वाटर बेस्ड इंक कैसे बनाते हैं। इसको मजीद आप पानी डालेंगे तो ये और पतला हो जाएगा, पर ये इस टाइम जो हालत है ये हमारे प्रिंटिंग के लिए बेहतरीन है। अगर आप इस हालत में प्रिंट करेंगे तो बहुत अच्छा प्रिंट होगा इंशाल्लाह।